जिन्ना भारत छोड़ो। नमस्कार, बेस्ट के नंबर वन शो ताल ठोक के में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रूबिका लिया। आज ताल ठोक के आपसे कुछ ही मिनट में यानी 5 बजे ठीक बड़ी बहस इस मुद्दे पर कि देश का बंटवारा करने वाले मोहम्मद अली जिन्ना एएमयू का नायक क्यों, और शाम 6 बजे ताल ठोक के स्पेशल एडिशन में देखिए क्या राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी का 15 मिनट का चैलेंज कबूल है। लेकिन ताल ठोक के बहस की शुरुआत उस सच से जो हमारे सामने आ जाया है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि हिंदुस्तान का बंटवारा करने वाले मोहम्मद अली जिन्ना किसी विश्वविद्यालय के नायक होंगे हिंदुस्तान में, भारत में? क्या आप यकीन कर सकते हैं कि बंटवारे का विलेन किसी यूनिवर्सिटी का हीरो हो सकता है? चौंकाने और परेशान करने वाला यह सच अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का है। जो जिन्ना देश के बंटवारे का गुनहगार है, जिसके हाथ लाखों लोगों के खून से सने हुए हैं, जिसकी वजह से देश दंगों की आग में झुलसा, जिसकी वजह से करोड़ों लोग बेघर हुए, जिसने बंटवारे का ऐसा जख्म दिया जिसके दर्द को आज भी आप महसूस कर सकते हैं, वो भारत के किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय का हीरो नायक आखिर कैसे हो सकता है? और आज ताल ठोक के बहस इसी मुद्दे पर और सवाल इसी मुद्दे पर, जिसने किया बंटवारा वो एएमयू को प्यारा? देश का खलनायक एएमयू का नायक क्यों? जिन्ना देश की विरासत या बंटवारे की निशानी? जिन्ना को हीरो बनाने वाली सोच से आजादी कब मिलेगी? और सवाल तो ये भी कि चुनावी मौसम में क्यों निकला है ये जिन्ना वाला जिन? सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं और जल्दी से आपका उन लोगों से मैं तारुफ करवा देना चाहती हूँ। गौरव भाटिया प्रवक्ता है बीजेपी के, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं, स्वागत है सर आपका। मकसूद अहमद उस्मानी अध्यक्ष है छात्र संघ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, डेंटल सर्जरी की पढ़ाई कर रहे हैं, बिहार के दरभंगा के रहने वाले हैं, आपका भी स्वागत है। कुछ ही देर में वो हमारे साथ इनफैक्ट जुड़ेंगे। मौलाना साजिद रश्दी भी आपसे कुछ ही देर में जुड़ेंगे, इस्लाम के जानकार है, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष है। यासिर जिलानी प्रवक्ता है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के, स्वागत है यासिर आपका। शहजाद पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक है, शहजाद आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अमीर हैदर शहजाद पूनावाला, हमने तहसीन पूनावाला की तस्वीर दिखा दी है, ये है, ये दो भाइयों में आप कंफ्यूज ना हो जाएं। बहरहाल शहजाद पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक है जो स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद आपका स्वागत है। अमीर हैदर जैदी साहब नेता हैं सीपीआई के, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के कार्यकारी सदस्य हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अवनिजेश अवस्थी साहब आरएसएस विचारक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर है, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। तहसीन पूनावाला कांग्रेस के समर्थक है, यूथ फॉर कांग्रेस संगठन बनाया, तहसीन आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, पुणे से आज हमारे साथ जुड़े हैं। शुरुआत में आप सबको एक एक मिनट का मौका मिलने वाला है। तहसीन शुरुआत मैं आपसे करती हूँ क्योंकि मैं चाहती थी शुरुआत जो है मकसूद साहब से हो। मकसूद साहब अभी हमारे साथ जुड़े रही हैं, क्यों ना आपसे शुरुआत करें। ये जो तस्वीर पोर्ट्रेट लगाई हुई है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, व्हाट इज योर टेक? नहीं देखिए, ये जो एक मैं हमेशा अपने स्पीचेस में कहता हूँ, एक होती है भाजपा आरएसएस की व्हाट्सएप हिस्ट्री, वो अपनी इतिहास खुद बनाना चाहते हैं और उसे मिटाना चाहते हैं। इनको आप सीरियसली मत लीजिए क्योंकि इनके पास कोई कंट्रीब्यूशन है नहीं देश के लिए। जिन्ना साहब नए एएमयू के फाउंडर थे, एएमयू फाउंड हुई 1920 में, 1938 में उन्हें लाइफ मेंबरशिप दिया गया जिस तरह से महात्मा गांधी अन्य लीडर्स को दिया गया, और जो कोई भी वहाँ से जिनको मेंबरशिप दी गई है उनकी तस्वीरें अगर वहाँ लगी हुई है तो आई थिंक उसमें अगर हमें जाना नहीं चाहिए। और जहाँ तक देश की बंटवारे की बात है, सबसे पहले ये नारा किसने लगाया था? सावरकर ने, हिंदू महासभा ने, उसके बाद जिन्ना ने लगाया उसके। और देश के बंटवारे में अगर जिन्ना थे एक पक्ष तो दूसरी और आरएसएस थी जो चाहते थे देश का बंटवारा हो, तो ये दोनों का, दोनों से मुझे कोई लगाव नहीं है, जिन्ना साहब से कोई लगाव नहीं। लेकिन अगर जिन्ना साहब वहां पर उनकी तस्वीर है तो आप ये बताएं अडवाणी जी को, आप मुझे आज की तारीख में, नहीं नहीं एक सेकंड रुक जाइए, देश का जो खलनायक है पाकिस्तान बनाकर जो बैठा है, और आज की तारीख में जिसकी तस्वीर हिंदुस्तान के एक विश्वविद्यालय में लग रही है, उस पर मैंने आपका टेक मांगा है। मैंने आपसे हिस्ट्री इसलिए नहीं पूछी है क्योंकि सबको पता है वो हिस्ट्री, लाखों लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है वो पता है। अगर संघ की बात कर रहे हैं तो वो आज हिंदुस्तान में मौजूद है, दूसरी कोई जगह बनाकर बैठे नहीं हुए हैं संघ के लोग। मैं उस संघ दिल इंसान की बात कर रही हूं जिसने हिंदुस्तान के टुकड़े किए हैं, जिसने ये कहा है कि हिंदू और मुसलमान कभी भाई भाई नहीं हो सकते हैं, जिसने अपनी कुर्सी के लिए हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े
कर दी है। अब निजेश अवस्थी, एक मिनट आपके। मुझे लगता है कि तहसीम को संघ के बारे में कुछ मालूम नहीं। हम आज तक 15 अगस्त को अखंड भारत दिवस मनाते हैं। आज भी हमारी इच्छा है कि पूरा जो भारतवर्ष था, जो विभाजन से पहले था, वो पूरा भारतवर्ष उस रूप में सामने आए जिसमें संप्रदाय, धर्म, वर्ग, वर्ण, जाति के आधार पर कोई भेदभाव ना हो। एक बात, दूसरी एक महत्वपूर्ण बात आप दिख रही होगी कि जिन्ना के समर्थन में ठीक वही लोग हैं जो जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग के साथ थे, जो जादवपुर में साथ होते हैं, जो भारत की बर्बादी होगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह के नारे लगाते हैं, ये इनका ये सब एक लोग हैं। इसलिए सब आज बिल्कुल साफ स्पष्ट हो गया कि कौन लोगों की, किन लोगों की दृष्टि क्या है, क्या विचारधारा है क्या। इसलिए दर्शकों को बिल्कुल साफ हो जाना चाहिए। अब जब जिन्ना का समर्थन करने आए लोग, जो लोग जिन्ना का समर्थन कर रहे हैं, वो सब वो एक लोग हैं। एक बात, छोटी सी बात और कह करके अपनी बात खत्म करूंगा मैं, कि बात समझ में आनी चाहिए कि जिन्ना किस बात के लिए हमारे देश में सबसे बड़े खलनायक के रूप में जाना जाता है। इस देश के विभाजन के रूप में लाखों लोगों की हत्याएं हुई, दंगे हुए 1946 में, उसके लिए आगे अपनी बात रखिएगा। लेकिन सुष्मिता दवे ये कह रही है गोडसे के पूजन करने वाले जिन्ना की तस्वीर पर सवाल उठा रहे हैं। सवाल उठाने पर सवाल गौरव भाटिया इसलिए भी उठ जाता है कि सरकार आपकी है, आप क्यों नहीं लिखित में दे देते हैं कि हटवाइए ये तस्वीर, यहां क्या कर रही है। क्विट इंडिया जिन्ना। नहीं रूबिका जी, देखिए सबसे पहले तो आपसे मैं ये कहूँगा कि जिन्ना जो है वो किस बात का प्रतीक है। उनकी ये सोच थी कि जो हम पंथ निरपेक्ष देश हैं ये भारत नहीं हो सकता है, और भारत का मतलब अखंड भारत। तो वो कहते थे कि जो धर्म है वो सबसे ऊपर है, और भारत में माना जाता है कि जो राष्ट्र है वो सबसे ऊपर है। तो आज जब आज़ादी मिल गई और पाकिस्तान बन गया, तो जिन्ना की वहाँ फोटो लगने का कोई औचित्य नहीं है। दूसरी बात, आप देखिए कि ये कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो मैं समझता हूं कि सबकी जो विचारधारा है उसको इंगित नहीं करती। ये लोग जब देश के राष्ट्रपति एएमयू जाते हैं तो उनका भी विरोध करने से चूकती नहीं है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह जिन्होंने जमीन दी एएमयू के लिए, उनका भी विरोध करती हैं अगर उनको याद किया जाता है। लेकिन जिन्ना की तस्वीर लगी रहे, इनको ये ठीक लगता है। जहां तक सरकार की बात है, मैं आपको बता दूं तुष्टिकरण की राजनीति जो कांग्रेस करती है। ठीक है ठीक है, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है कि सरकार आपकी, व्हाट एक्शन कैन यू टेक, आप क्या एक्शन लेंगे, सिर्फ खत लिखेंगे, चिट्ठी लिखेंगे आपके जो सांसद हैं, या सच में कोई कार्रवाई होगी इस पर, कंट्रोवर्सी क्रिएट हो उससे पहले एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है। अमीर हैदर जैदी साहब, ये वही शख्स है जिसकी वजह से पहले हिंदू मुसलमानों में झगड़ा हुआ, आज भी इसकी एक तख्ती तस्वीर जो है फिर बंटवारा करवाने पर लगी हुई है, चाहे वो जहनी तौर पर ही क्यों ना हो। देखो जिन्ना भूत है, और मैं आज भूत की बात नहीं करूंगा, मैं वर्तमान की बात करूंगा। और वर्तमान में आज मई दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय मई दिवस है, और मई दिवस के अवसर पर सभी देश के मजदूरों को मेरा अभिनंदन, उनका हार्दिक स्वागत। और 1986 के अंदर जिन्होंने कुर्बानी दी थी यार घट्टे काम की सुनिश्चित किए जाए, उनको मेरा नमन और सलाम। देश के बंटवारे के लिए जितना जिम्मेदार जिन्ना है, उतने जिम्मेदार आरएसएस भी है। आरएसएस ने 1942 में ही देश का बंटवारा कर दिया था। के पिल्ले का कार्टून पूरे हिंदुस्तान की लाइब्रेरी में मौजूद है, उसे देख लिया जाए कि 1942 में आरएसएस ने क्या प्रपोजल रखा था और किस तरह से देश का बंटवारा किया था। जिन्ना तो एक खलनायक है, और आज भी जिन्ना को, जिन्ना से अगर किसी को फायदा पहुंच रहा है उस विचारधारा से, तो वो आरएसएस को पहुंच रहा है, देश की सेकुलर जमात को नहीं पहुंच रहा है। देश को जो एकता के सूत्र में बांधना चाहते उन्हें नहीं पहुँच रहा है। देखिए मैं अपनी बात रखते हुए ये कहूँगा कि जिन लोगों ने भी वहाँ पे फ़ोटो लगा रखी है एएमयू में ख़ास करके, वो मुसलमान नहीं, क्योंकि 1947 में राष्ट्रवादी मुसलमान टू नेशन थ्योरी जिन्ना की रिजेक्ट करके हिंदुस्तान में रह गए थे, और वो हिंदुस्तानी मुसलमान कहे गए थे। और जिन्ना की विभाजन जो नीति रही है, जो एक फलता फूलता खूबसूरत सा मुल्क हिंदुस्तान को जो विभाजन किया था, उसने सिर्फ अपने जाती मफाद के लिए किया था, क्योंकि उनको पता चल गया था 1938 में ही कि मेरी आज़ादी के बाद कोई दाल गलने वाली नहीं है जो आने वाली सरकार होगी। ये 1938 से 42 तक सिर्फ विध्वंसकारी सोच के साथ, एक जो कट्टरपंथ है मुसलमानों को इकट्ठा करना, मुसलमानों को ये बताना धार्मिक तौर पर, और उसका रिजल्ट आपको देखने को मिला कि एक धार्मिक
देश बनाया गया पाकिस्तान, धर्म के आधार पर बनाया गया पाकिस्तान। तो मुझे लगता है कि अगर अब भी, और मेरी सरकार से भी डिमांड है कि सरकार को इमीडिएट जो फोटो है वो रिमूव करना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए वहां के वीसी के ऊपर। ठीक है यासिर शहजाद, एक बात आज की तारीख में समझनी इसलिए जरूरी है कि ये जिन्ना का जिन भारत असल माने में कब छोड़ेगा। आपकी बात बिल्कुल सही है और मैं आपको कुछ तथ्यों से अवगत कराना चाहता हूँ। जब राहुल जी 1925 से अपनी स्पीच को शुरू करते एक तंजीम के बारे में, तो तब इतिहास में क्यों जा रहे कोई सवाल नहीं पूछता। जब उनके एमएलए, हरियाणा के एमएलए, उनका बयान है मेरे पास, करण दलाल जो कहते हैं मोहम्मद अली जिन्ना फ्रीडम फाइटर है, तभी ये तो विषय आता है। ये विषय क्या है? ये विषय सबसे ज़्यादा अगर गंभीरता से किसी को लेना चाहिए तो भारतीय मुसलमानों को। और क्यों? क्योंकि एएमयू की फिलॉसफी क्या थी? एएमयू ने पहले छात्र को पास आउट किया तो हिंदू था। एएमयू को जमीनें दी तो हिंदुओं ने दी। एएमयू किसका प्रतीक है? हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। और वहां पे जो हिंदू मुस्लिम एकता के सबसे ज्यादा खिलाफ था, मतलब मोहम्मद अली जिन्ना, उसकी फोटो पाई जाती है। मौलाना आजाद, अब्दुल कलाम और वीर हामिद की फोटो नहीं पाई जाएगी। तो मैं पूछना चाहता हूं कि अब ये कल टुकड़े टुकड़े गैंग ये कहेगी कि याकूब मेमन की फोटो लगा दो, अफजल गुरु की फोटो लगा दो, तो उनकी भी फोटो लगाई जाएगी और इस स्तर तक हमारी राजनीति आएगी? तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा तमाचा ये भारतीय मुसलमानों को है जिन्होंने जिन्ना को रिजेक्ट किया, पाकिस्तान को रिजेक्ट किया, पर आज उनकी फोटो यहाँ पे लगा के भारतीय मुसलमानों को एक संदेश दिया जा रहा है। मौलाना साजिद रशीदी, आपसे मेरा सवाल है, ये संघ की आड़ में बार बार संघ को, मैंने अमीर हैदर जैदी साहब, तहसीन पुनावाला, जब भी आपसे पूछा जाए एक डायरेक्ट सवाल कि जिन्ना को लेकर क्या सोचते हैं, ये वो खलनायक है जिसने देश के टुकड़े किए, हिंदू मुसलमानों को असल माने में बांटा है, उस पर बात करने की बजाय आ जाएंगे संघ की आड़ में, कब तक गलत को सच कहते रहेंगे और सही कहते रहेंगे? देखिए रूबिका, एक बात समझने की है, 1938 में ये मूर्ति लगी, उसके बाद आज़ादी मिली, आज़ादी के बाद सरकारें रहीं, बीजेपी की सरकार भी 4 साल से है। क्या सरकार का ध्यान कभी इस तरफ नहीं गया कि एक खलनायक की तस्वीर लगी हुई है? और बीजेपी के MP को भी आज पता चला कि वहाँ तस्वीर लगी हुई है। मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि ये लोग चुनाव के टाइम पर ही इस मुद्दे को, ऐसे मुद्दे को क्यों उठाते हैं। दूसरी बात, इन्होंने RSS के जो अवस्थी जी बैठे हैं, इन्होंने कहा कि JNU के लोग उस वक्त कहाँ थे और ये आज कहाँ हैं। मैं कहना चाहता हूँ JNU में जिन लोगों ने नारे लगाए थे, आज तक आपने पकड़ा नहीं उनको, और एक गलत आदमी को पकड़ लिया, वो छूट गया। आपको तो खुद शर्म आनी चाहिए कि आपकी हुकूमत इतनी कमज़ोर है कि उन लोगों को पकड़ नहीं पाई, आज तक वो आपसे बाहर है। नजीब आपसे, आपको मिला नहीं आज तक, एक माँ रोती बिलकती फिर रही है। शर्म आनी चाहिए आपको कि आप जो है इन ऐसे फालतू के मुद्दों को उठाकर ले जाते हैं, उन पर बात करते हैं, लेकिन जो असल मुद्दे हैं विकास के और इसके। सर विकास का मुद्दा तो चलता रहेगा, लेकिन ये जो जिन्ना का जिन है ना, अगर ये जहन में किसी के पड़ा हुआ है तो हमें पता है धूल की तरह झटक के उसे कैसे बाहर की तरफ रास्ता दिखाना है। और फिर आपने वही काम किया, मैंने सवाल ये जानते हुए आपसे पूछा था कि कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा उंगली संघ की तरफ आ जाए, मौलाना रशीदी, और यही काम आपने भी किया है। अब ये डिबेट आप सबके लिए ओपन है, पहले अपनी जोश और मौलाना रशीदी। रूबिका जी, मैंने बिल्कुल शुरुआत में कहा था, आप देखेंगे किन में समानता है। जिन्ना ने वंदे मातरम का विरोध किया, आज जो लोग कहते हैं कि हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे वो जिन्ना की विचारधारा है, भारत माता की जय नहीं बोलेंगे वो जिन्ना की विचारधारा है, वही लोग जिन्ना की तस्वीर लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं। रही बात 1942 की, तो 1942, 1962 और 1975 तीन बातों के लिए CPI कम्युनिस्ट पार्टी अपनी माफी मांग चुकी है सार्वजनिक रूप से, अंग्रेजों का साथ देने के लिए, चीन का साथ देने के लिए, आपातकाल का समर्थन देने के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांग चुकी है। और हम, मैं कह रहा हूँ, तहसीम को मैं ओपनली चैलेंज करता हूं, चुनौती देता हूं, एक लाइन दिखा दे जिसमें भारत के विभाजन, भारत के विभाजन की बात की गई हो, एक बात कर दे। हम हमेशा अखंड भारत की बात करते हैं, आजादी के बाद हमने विभाजन को स्वीकार नहीं किया, हमने कहा ये आजादी आजादी नहीं, विभाजन की आजादी आजादी नहीं है, हमें एक मुकम्मल मुल्क की आजादी चाहिए थी। आपकी आवाज ऑन एयर नहीं जा पाएगी, मैं फिर से आपको याद दिला दूं, और मैंने एकदम शो शुरू होने से पहले भी आप जेंटलमैन को ये बात कह दी थी कि ऐसे डिबेट होगी तो मेरा व्यूअर नहीं रुक सकेगा मेरे पास, इतना बड़ा मुद्दा है, वो इस पूरी की पूरी डिबेट को बहुत कायदे से सुनना समझना चाहेगा। और मैं आपसे विनती करती हूँ, एक एक करके बोलिए ना, अगर आपके तथ्य बड़े हैं
और अगर आपके तथ्य सच्चे हैं तो एक दूसरे पर चीखने की क्या जरूरत आन पड़ेगी फिर? अपनी अपनी बात रखिए, पूरा मौका है आपके पास। लेकिन रूबिका, एक सवाल मेरा आपसे भी है। सर मेरे सवालों का तो जवाब दे दीजिए आप, हमेशा मेरे सवालों का तो जवाब दे दीजिए। ये जिन्ना की तख्ती आज भी हिंदुओं को सम्मान करवा रही है, सच्चाई को सिखाता है। लेकिन आप सब की आड़ में तराजू होती है, आप झूठ की आड़ में इंसाफ करना चाहिए, कहीं ना कहीं जिन्ना का फेवर करके जाएंगे आप। वो जिन्ना जो कहता है हिंदू मुसलमान कभी भी एक नहीं हो सकते, आज जिन्ना वहाँ ऊपर से देखकर सच में मलाल कर रहे होंगे कि देखो क्या पाकिस्तान बना और क्या हिंदुस्तान, जहाँ हिंदू और मुसलमान साथ बैठ के देश को चला रहे हैं। और रूबिका जी आज मजदूर दिवस, मुझे पता है मजदूर दिवस पर मैं आपकी अलग से बाइट ले लूंगी, के अधिकारों की बात होनी चाहिए। जैदी साहब, ये जिन्ना का जिन काम, जैदी साहब और जिन्ना जो है वो आरएसएस के प्राथमिक एजेंडे आपके सामने एक प्रस्ताव है, एक छोटा सा प्रस्ताव है, ध्यान नहीं खा के आते हैं। अगर जिन्ना से आरएसएस को फायदा हो रहा है तो आप उसकी फोटो उतरवा दीजिए, बिल्कुल उतार के फेंक देनी चाहिए। ये बात है, बिल्कुल फेंक देनी चाहिए, उतार दो, उतार दो, उतार दो, ऑक्सीजन मिलेगा, खत्म कर देना चाहिए। यही तो हमारी डिमांड है, बंटवारे की, यही हमारी डिमांड है, हमारी मांग है, जितना भी उसका एक हिस्सा है। अब आप सब शांत रहिए। अमीर साहब पहले आप अपनी आप बात रख लीजिए, 15 मिनट दूं आपको लगातार, आप बगैर 15 मिनट तक आप लगातार हम सब चुप हो क्या बैठे हैं? 15 मिनट नहीं है, नहीं तो हम चुप जा रहे हैं। अरे दूसरों को दे, सुन लीजिए, दूसरों को आप सही रोल का टाइम दे दे। नहीं सर, मैंने दे दिया आपको, अभी मैं 15 सेकंड बोल सकता हूँ। ये एक अनोखा पैनल है, इस पैनल को अनोखा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस पैनल में पहली बार या ज्यादातर होता भी होगा ज्यादा मुसलमान बैठे हैं। मैं बोल रहा हूँ संघ को इक्वेशन से बाहर हटा दो, बीजेपी को हटा दो और राष्ट्रीय मुस्लिम मंच को भी हटा दो, बाकी के मुसलमानों से पूछो कि यहाँ पे बैठा कौन सा मुसलमान इस जिन्ना को अपना नायक मानता है? बिल्कुल एक भी नहीं मानता, 1947 से नहीं मानता। जब 1947 से नहीं मानता तो आज एएमयू जैसी जगह पे उसके फोटो के होने का औचित्य क्या है? संघ को भूल जाओ, संघ को भूल जाओ, बीजेपी को भूल जाओ, खत्म करो। नायक है कि खलनायक है जिन्ना? नहीं नहीं सुनिए सुनिए सुनिए, नायक है कि खलनायक है? मैं ये सुनना चाहती हूँ। मेरी बात, मेरी बात, मेरे जवाब तो सुन लीजिए, पहले बता दीजिए ना, उसके बाद में सुनूंगी। आप क्यों प्रीवेरिकेशन करते हैं? एक सिंपल शब्द बोल दिया है, आपके मुसलमानों के अमीर हैदर सैदी ने कहा ना कि तख्ती निकाल कर फेंक दो, फिर फोटो क्यों लगी है? आपकी विचारधारा के लोग आपने लगाई है, सरकार को चाहिए मौलाना रशीद पास करें सरकार के लिए। यहाँ फोटो उतारने के लिए ऑर्डर की क्या जरूरत है? सरकार से पूछना चाहता हूँ, मत पूछिए, मैं आपसे जो पूछूं उसका जवाब दीजिए ना, कि इधर उधर मत कीजिए, इधर उधर मत कीजिए। नहीं क्यों इधर उधर? नहीं नहीं, मुल्ला की दौड़ घर से मस्जिद तक रखी है, चार साल से सरकार है, मुल्ला की दौड़ घर से मस्जिद तक रखी है। और मेरी बात सुनिए, मुझे इस बात का जवाब दीजिए, मोहम्मद अली जिन्ना मौलाना रश्दी के लिए नायक है कि खलनायक है? आप मुझे बताइए, सरकार आग बंद करे बैठी है क्या? खलनायक सरकार क्या कर रही है? सरकार सो रही है क्या? जिन्ना खलनायक है, जवाब देना चाहिए, जिन्ना नायक है, खलनायक है, एक ऑर्डर भेज देना चाहिए, नायक है कि खलनायक है? मैडम मैडम हिंदुस्तान मेरे नायक कहने से वो नायक नहीं बन जाएगा, वो खलनायक है तो खलनायक है, 30 सेकंड के तो खलनायक है, मेरे नायक कहने से नायक नहीं बन जाएगा। लेकिन सरकार कहाँ सो रही है आपकी? नायक कहने से आपकी सरकार कहाँ सो रही है? आपकी नायक और आपकी सरकार कहाँ सो रही है? बात बताती हूँ, नहीं नहीं आपकी सरकार कहाँ सो रही है? आपकी सरकार जो है डगमगाएगा नहीं, पास क्यों नहीं किया नायक या खलनायक को डिसाइड करने में? पास क्यों नहीं किया? आपकी आपके मुसलमान होने पर सवाल नहीं खड़े हो जाएंगे? मुझे 30 सेकंड का बजर ऑन नाउ, यू टेल मी नायक और खलनायक मौलाना रशीदी, देश का मुसलमान आज आपसे रिलेट करेगा। नहीं, आप हिंदू बन जाएंगे अगर नायक कह दिया आपने। क्या कह रहे हैं? सब सब खामोश। हाँ, 30 सेकंड ऑन मौलाना रशीदी, मौलाना रशीदी साहब, प्लीज सवाल कोई बात नहीं है तो आप मस्जिद में जाकर तब्लीग कीजिए। नायक खलनायक कहने से हिंदू रशीदी साहब, अगर आप इस समय ऑक्सीजन दे रहे हैं आरएसएस को तो मस्जिद में जाकर तब्लीग कीजिए, वरना आप कहिए कि मुसलमानों के लिए जिन्ना जो है वो खलनायक है और 47 में भी खलनायक था तो हिंदुस्तान। मेरा टाइमर 27
सेकंड्स मोर मौलाना रशीदी, सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, आप बताइए मुझे, मुझे कुछ नहीं सुनना, नायक के खलनायक, सुनिए मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान का संस्थापक जो कहता है हिंदू मुसलमान भाई भाई नहीं हो सकते, कौन है वो? मोहम्मद अली जिन्ना खलनायक था, खलनायक है, खलनायक रहेगा, और हिंदुस्तान का मुसलमान जब हिंदुस्तान के अंदर रहा, पाकिस्तान को नकार कर, जिन्ना की थ्योरियों को नकार कर जो है हिंदुस्तान में रहा था, और आज भी जिन्ना की थ्योरियों को नकारता है। लेकिन ये बताइए, लेकिन मुझे ये बताइए कि फोटो लगे हुए उसको आज कितने साल हो गए, सरकार क्या सो रही है? आपको याद नहीं आया सरकार चल रही है आपकी? सरकार कौन सी सरकार चल रही है आपकी? जिसको ये पता नहीं कि मीडिया को धन्यवाद करिए, शुक्रगुजार होइए कि लोगों को मीडिया ने सच्चाई दिखाया है, और आप सवाल उठा रहे हैं, क्या सवाल कर रहे हैं? आपकी सरकारें रही हैं, आपकी सरकार एक साल पहले थी, आप फोटो पर सियासत कर रहे हो, अरे आप कर रहे हैं, आप उस जिन्ना के साथ खड़े हुए दिखा दे रहे हैं, आपको पूरा का पूरा एक मिनट लग गया उसको जिन्ना के लाइक करने में, क्या शर्म करो, डूब मरो कहीं जाके, कम से कम सच्चाई बोलिए, छोड़ दो सरकार नहीं चलाती, एक सेकंड, ये सरकार को कैसे चला सकती है? को हीरो नहीं मानता, ओके, यासिर जिलानी और रहेगा, ऑलराइट, यासिर जिलानी, एक सेकंड, मैं ये कह दूं, अगर मौलाना रशीदी एक मिनट देरी से ही सही, अगर अगर क्या कहते हैं वो देर को शाम को भूला भटका घर आ जाए, उसे भूला नहीं कहते, सुबह, हाँ सुबह का भूला, अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते, एक मिनट देरी से, मौलाना साहब काबिले तारीफ, मौलाना साहब काबिले तारीफ, मैं यहाँ बैठी हूँ, ताल ठोक के आपकी तारीफ करती हूँ, बस अब, अरे आप सर निरुपमा रॉय डायलॉग नहीं चलेंगे ना सर, आप खत्म कर दीजिए, अब नहीं चलेंगे, अब नहीं चलेंगे, बोल दिया आपने, बात आगे बढ़ा रही हूँ, गौरव भाटिया, अब बॉल आपके पाले में है, अब बॉल आपके पाले में है, यहाँ पर बैठे अमीर हैदर जैदी ने कहा फेंक दो कूड़े में, मौलाना रशीदी ने कहा खलनायक था, है और आगे भी रहेगा, तो फिर आप किस चीज का इंतजार कर रहे, इसी डिबेट का कर रहे थे? इनको 2019 तक रखनी है वो तस्वीर। नहीं रूबिका जी, देखिए ये जो मुद्दा उठाया है ये भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद ने उठाया है, और मैं आपको बता दूं कि एएमयू जो है ये एक सेंट्रल लेजिस्लेशन से बनी हुई यूनिवर्सिटी है, इसका एक अपना एडमिनिस्ट्रेशन होता है, और वो एडमिनिस्ट्रेशन स्वतंत्र है, मुझे पूरा विश्वास है कि वो इस मुद्दे की गंभीरता को समझते हुए उचित कार्रवाई तुरंत करेगा, और अगर नहीं करेगा तो हम लोग हैं, केंद्र की सरकार है, वो भी बातचीत कर सकती है, लेकिन एक अहम बात जो है, क्या जो भारतीय मुसलमान है, और मैं बताऊं जाकिर हुसैन साहब हो गए, एपीजे अब्दुल कलाम साहब हो गए, अब्दुल हमीद हो गए, जिन्होंने जान दे दी, और हम तो इंतजार कर रहे हैं, हम तो इंतजार कर रहे हैं, ये 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 जो ये जो मंसूर अहमद उस्मानी है जो प्रेसिडेंट है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट यूनियन के, हम तो इंतजार कर रहे हैं, वो आए ना ताल ठोक के डिबेट में, क्योंकि मुझे जानकारी ये मिल रही है कि वो ये कह रहे हैं 1938 से है भाई साहब, तो हम इसे काहे हटाए, उनको लाइफ टाइम मेंबरशिप मिली हुई है, अरे देखिए, अरे ये क्या तर्क है, बेतुका क्या है, मैं आपको बताऊं, बेतुका तर्क साहब हो गए या तहसील हो गए, ये लोग भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से इतनी नफरत करने लगे हैं कि ये भूल जाते हैं कि चर्चा में सोच से नफरत करते हैं, आप बीजेपी पार्टी से आरएसएस का प्यार करते हैं, अभी मौलाना साहब कह रहे थे कि चुनाव को देखते हुए ये बात कही जा रही है, अभी तो चुनाव एक साल दूर है, विधानसभा का विधानसभा है, चुनाव हाँ मौलाना रशीदी, हाँ मौलाना रशीदी हिंदू मुसलमान को लड़ाते हैं, ठीक है, एक सेकंड रुकिए, मौलाना रशीदी रुकिए और गौरव भाटिया रुकिए, हाँ इतने भोले हैं मुसलमान, इतने भोले हैं मुसलमान और इतने भोले हैं हिंदू कि कोई बरगलाएगा और वो जो है उस चक्कर में आ जाएंगे, हाँ, और इतना बोला है एमयू का प्रशासन कि वो कह रहा है भाई साहब यहाँ तो षड्यंत्र हो रहा है, तो हम ये तख्ती लगाए रखते हैं, हम ये फोटो जो है वो चिपकाए रखते हैं, वाह वाह गजब भोलापन है, तहसीन पुनावाला। अच्छा मुझे बताइए फोटो पर कौन सी राजनीति होनी चाहिए? रूबिका जी अगर ये 6 महीने बाद आते ना तो पाकिस्तान के लोग इनके जूतों का हाल काट। मैं दो चीज कहना चाहता हूँ प्लीज, अगर आप मुझे सर दो चीज सुन लीजिए तहसीन पुनावाला की तरफ से, दो चीज, गवर्नमेंट एक ऑर्डर पास करे और वो हट जाएगी, क्या कर रही है, और तहसीन पुनावाला कहीं जिन्ना जिंदाबाद दो चीज मत कह दीजिएगा, शहजाद कहेगा जिंदाबाद, मैं भारत माता को जिंदाबाद कहता हूँ, आप नहीं कहते, आप चाइना जिंदाबाद कहते हैं, अब नॉर्थ कोरिया को जिंदाबाद, मैं सिर्फ दो चीज कहना चाहता हूँ, मैं सिर्फ दो चीज कहना चाहता हूँ,
जिन्ना की तस्वीर निकालकर बाहर फेंकनी चाहिए, बिल्कुल फेंकनी चाहिए। उसी के साथ सावरकर की तस्वीर पार्लियामेंट से बाहर निकालकर फेंकनी चाहिए। एब्सोल्युटली रॉन्ग, नो, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं नहीं नहीं, आई स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट, आई स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट। काले पानी की सजा वो आज भी क्रांतिकारियों का गीत है, शर्म आनी चाहिए। आज पूना में रहते हुए आपको शर्म आनी चाहिए। नाम से पूना वाला हटा लो, महाराष्ट्र में आप सड़क पे अगर हिम्मत है तो महाराष्ट्र जाकर के ब्रिटिश एम्पोरियम, ब्रिटिश म्यूजियम में जाके पढ़ो, सबसे ज्यादा भयाक्रांत ब्रिटिश सरकार सावरकर से है। अरे सर सावर रिपोर्ट पढ़ो, अरे आपसे नहीं ना, आप जैसे अंग्रेजों का तलवे चाटने वालों के जैसा नहीं था सावरकर की तस्वीर भी उठा के फेंक दी। स्वतंत्र वीर सावरकर की तस्वीर भी उठा, नाम स्वतंत्र वीर सावरकर। और हैरत होती है, हैरत होती है, तहसील तहसील कह रहे हैं जिन्ना को सावरकर के साथ ना है, जिनको काला पानी की सजा मिली, काला पानी की सजा मिली जिनको। अच्छा हिस्ट्री पढ़ी है कि नहीं? हैरत की बात है, हैरत की बात है। तहसील शहजाद पूना वाला है, तहसील पूना वाला है, शहजाद एंड तहसील, शहजाद एंड तहसील। पूना के चौक पर तुम बैठ जाओ आमरण अनशन पर सावरकर की तस्वीर हटाने के लिए। शहजाद एंड तहसील, शहजाद एंड तहसील को भी हटना चाहिए सावरकर को। देखिए आज ये समय नहीं है कि हम इतिहास के हर एक किरदार का मूल्यांकन करें कि किसने कितना रोल निभाया इतिहास में। कौन आज पहले सवाल बोलेगा? सिर्फ इतना है, मेरी बात सुन लीजिए, आज सवाल सिर्फ इतना है, हम सब लोग एक बात पे एग्री करते हैं, यहाँ तक कि राशिदी साहब ने भी एक मिनट के बाद एग्री कर ही दिया कि ये जिन्हा जो है ये भारत के लिए या भारत के मुसलमानों के लिए और उसकी जो बनाई हुई पाकिस्तान है वो भारत के लोगों के खिलाफ षड्यंत्र रचती आ रही है। इसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि उनका किरदार क्या है, बाकियों के किरदार पर बहस हो सकती है और उस पर होनी भी चाहिए। सावरकर के अगली डिबेट रखिए, उसमें आरएसएस के लोगों को बुलाइए, बीजेपी के लोगों को बुलाइए और कांग्रेस के भी लोगों को बुलाइए जिन्होंने स्वतंत्र वीर सावरकर टेक्स्ट बुक में लिखा। पर आज सवाल यह है कि सब लोग मान रहे जिन्ना को कूड़े के डब्बे में जाना चाहिए, तो आप किसी तरह से जिन्ना जी को सपोर्ट करने का काम क्यों कर रहे हैं? ये जिन्ना जी आपके लिए क्यों बने? करण दलाल कह रहे हैं जिन्ना वाज अ फ्रीडम फाइटर, ये बयान अगर आप अग्री नहीं करते हो तो एक स्वर में बोलिए। और सरकार के लिए क्यों रुकते हो? सरकार के लिए रुकोगे? सरकार ने ऑर्डर पारित किया तब भारत के मुसलमान भारत में रहे, उन्होंने जिन्ना को गेट आउट क्यों कहा? किसी सरकार ने कहा हमें? तो हमारे दिल से आवाज निकल रही है, पर एएमयू में जो कुछ लोग हैं और बड़े कॉमरेड कह रहे हैं, यहां पे बड़े कॉमरेड साहब का मैं आदर करता हूं, ये कह रहे हैं डब्बे में डालो, पर आपके छोटे कॉमरेड कन्हैया कुमार क्या कहते हैं? वो कहते हैं अफजल गुरु जिंदाबाद। आपकी शैला राशिद क्या कहती है? वो कहती याकूब मेमन जिंदाबाद। तो आप छोटे कॉमरेडों को समझाइए ना अपने। अरे आजकल वो बड़े हो गए, उनकी फोटो हटा के वहां पे उनकी फोटो डाल देंगे, वो याकूब मेमन की फोटो डाल देंगे। ऐसा है कन्हैया कुमार बड़े हो गए या छोटे रह गए आज के डेट में? कन्हैया कुमार सेंट्रल पॉलिट ब्यूरो में आ गए। वो जो भी पॉलिट ब्यूरो में जो भी है, जो देश के विभाजन की बात करेगा, देश विरोधी नारे लगाएगा, हम उसके समर्थन में नहीं खड़े। जिन्ना कल भी हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए खलनायक साबित हुआ, कॉमरेड शैला राशिद को निकालेंगे पार्टी से, आज भी बंटवारा है, कॉमरेड मेरी पार्टी को निकालेंगे पार्टी से, उमर खालिद है ना, शैला राशिद सब लेफ्ट से नहीं है। आप कंडेम कीजिए, बोलिए कि लेफ्ट से लोग गलत है। कन्हैया कुमार तो है ना, कन्हैया कुमार है, आपके नेशनल लीडर हो चुके हैं आप तो। ये इजी पॉइंट है ना अमीर साहब, कह दीजिए हमारे कोई बात नहीं है, शैला रशीद पार्टी के बारे में बताइए, एक्शन नहीं है, बोलिए ना सीपीआई लेफ्ट के नेता नहीं है वो, लेफ्ट के नहीं है। जब हर चीज में पुरजोर तरीके से अमीर हैदर जैदी आपकी आवाज निकलती है तो आप ही के जब लोग टुकड़ों की बात करते हैं हिंदुस्तान के तो क्यों चुप हो जाते हैं आप? आप कल साबित कीजिए, परसों में विरोध में खड़ा कर रहा हूँ, लेकिन सवाल ये बनता है कि ये आज तक भी ये साबित नहीं कर सके, तो जेल में डालो कन्हैया कुमार को, जेल में डालो, क्यों नहीं जेल में डालते, क्यों नहीं चार्जशीट सबमिट करते, डालना चाहिए। कुछ पागल लोग गोडसे की मूर्ति लगाते हैं तो मोदी तक चले जाते हैं, और ये लोग कॉमरेड है सब, कॉमरेड लाल सलाम करके इनको पुकारते हैं तो बोले हमारे नहीं है।
हमारे नहीं है अफजल गुरु की शहादत ने आगे बताइए सारी वामपंथियां सारी वामपंथी पार्टियां तुम कहते हो एक सारा वामपंथ है आज जब आपको बयान देने की बात आई आपने कहा हमारी पार्टी में नहीं है हमारी पार्टी में नहीं है हमारी पार्टी में नहीं है वैसे सारा वामपंथ है ठीक है वैसे सारा वामपंथ है ठीक है अमीर हैदर आपने जो एक सेकंड अमीर हैदर एक सेकंड मैं ये बात नहीं समझ पा रही हूँ और जो नहीं इस सर पता है आपको एक सेकंड तहसीन पुनावाला मौलाना रशीदी गौरव भाटिया अमीर हैदर जैदी यासिर अबनी जेश जी और शहजाद पुनावाला 28 मिनट हो गए हम लोगों को लगभग डिबेट करते हुए डिबेट में एक लाइन एकदम क्लियर है एकदम क्लियर है कि यहाँ एक भी शख्स ऐसा नहीं है जो कह रहा है कि मोहम्मद अली जिन्ना जिंदाबाद या जयकारा उसका लगा रहा है हर कोई ये मानता है खलनायक तो फिर हम सब एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर क्यों नहीं है क्या वजह है क्या बेवकूफी है कि हम पुराने सारे गड़े हुए मुर्दे खोद रहे हैं एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए जो मेन चीज है उस पर फोकस क्यों नहीं कर रहे हैं ये तख्ती क्यों लगी हुई है ये फोटो क्यों लगा हुआ है इसे उठाकर फेंकने के लिए सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के क्यों नहीं खड़े हैं वो तो साहब ऊपर ताली बजा रहे होंगे यही तो मैं चाहता था यही हो रहा है क्यों मौलाना रशीदी साहब गौरव भाटिया से कहिए कि सरकार एक इतिहास के अरे शहजाद पुनावाला ने कितनी शानदार बात कही मौलाना रशीदी क्या सरकार आपके पास लिखित में कुछ लेकर आई थी कि मौलाना रशीदी आपके परदादाओं के पास लिखित में लेकर आई थी कि मौलाना रशीदी रुक जाओ हिंदुस्तान में या चले जाओ पाकिस्तान में खुद से डिसाइड किया ना तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का प्रशासन खुद से ज़हनियत अपनी नहीं लगा सकता है अपना दिमाग अपनी अपनी अपना दिमाग नहीं लगा सकता है गलत कह रहे हो आप एक तरफा डिबेट कर रहे हो मैंने पहले ही कहा था एक तरफा डिबेट मत करना आप मैंने पहले ही कहा था इंसाफ का तराजू हाथ में रखो इंसाफ का तराजू उसने कौन सा इंसाफ का तराजू और इस तराजू में आप अपने बेटों के मेंढक बिठा देंगे तो वो तो उछलते फिरते रहेंगे फिर कहेंगे कि इंसाफ का तराजू सरकार को क्यों बचा रही है पार्टी को बीच में ले आएंगे और सरकार की बात करने लगेंगे आप सरकार को बचा रहे हैं आप कभी एएमयू एक्ट पढ़ा है बोलना साहब एएमयू में एक सेकंड अरे रशीदी साहब एक सेकंड रशीदी साहब साहब चार साल की सरकार पर उठा रहे हैं हमारे साथ सरकार के बाद की सरकारों पर सवाल क्यों उठा रहे हैं अपनी जय जी द मेन स्टेक होल्डर मौलाना रशीदी सरकार पर क्यों उठा रहे हैं आप बचा रहे हैं 70 साल की सरकार को मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के जो प्रेसिडेंट है मकसूद अहमद उस्मानी हमारे साथ स्काइप पर जुड़ गए हैं हाँ उस्मानी साहब आवाज आ रही है सर मेरी मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है नहीं दोबारा कोशिश करते हैं हम दोबारा कोशिश करते हैं मैं सिर्फ आपके लिप रीड कर पा रही हूँ उसमें आप कह रहे हैं आवाज आ रही है पर आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है हम दोबारा आपको फोन लगाएंगे स्काइप पे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे ऑल राइट मौलाना साहब तहसीन पुनावाला मैं आपके पास आ रही हूँ मौलाना साहब आपको तो हर चीज में यही नजर आएगा सरकार को बचाने की कोशिश की जा रही है अरे कौन बचा रहा है सरकार को मैं कुछ कहना आपने एक दफा भी ये नहीं कहा कि गौरव भाटिया एक ऑर्डर पास करें एक दफा ओके 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 रशीदी साहब रशीदी साहब एक सेकंड अरे मौलाना ये 2019 में क्यों याद आया इनको एक सेकंड रशीदी साहब 2019 के चुनाव में क्यों याद आया पहले की सरकारें जिन्ना की समर्थक थी आप कह दो कम से कम इसका मतलब ये है कि इसके पहले की सरकारें जिन्ना की समर्थक थी अरे उनको भी हटाना चाहिए नहीं 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 क्यों नहीं आप इस सरकार पर सवाल उठा सकते हैं पिछली सरकार आपने ये क्यों नहीं कहा कि 70 साल से क्यों लगी हुई थी अभी 70 साल से अब तक क्यों लगी हुई थी लेना देना है ये केवल क्यों लगी हुई थी पिछली सरकारों ने कदम क्यों नहीं उठाया अच्छा उन पिछली सरकारों में आपकी सरकार भी थी पिछली सरकारों में बीजेपी की भी सरकार थी गौरव भाटिया मैं फिर वापस वो सवाल पूछ रही हूँ ये कैसे हटेगी तस्वीर ये नहीं हटाएंगे 2019 तक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है केंद्र सरकार के भूमिका बिल्कुल स्पष्ट है एक बात ये तस्वीर हटना कोई बड़ी बात नहीं है आज वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो चाहे इसको तुरंत हटा सकता है और सबसे बड़ी बात ये है जो स्टूडेंट यूनियन है वो खुद से क्यों नहीं मार मैं जैदी साहब से कहूंगा गुरु जैदी साहब मंत्री को पत्र लिखे ना हो
इसके लिए तो विरोध करने का टाइम है टुकड़े टुकड़े गैंग के पास, लेकिन इतने बड़े मुद्दे पे इन लोगों की कोई अपनी व्यक्तिगत राय नहीं है क्या? और आवश्यकता पड़ेगी, हालांकि ये काम जो है सरकार के क्षेत्र अधिकार का नहीं है, लेकिन अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हस्तक्षेप जरूर होगा। और रूबिका जी, आपको मैं एक बात और बता दूं, गौरव भाटिया रुकिए एक सेकंड, 2004 विश्वविद्यालय अगर एक सर्कुलर जारी कर दिया जाए एचआरडी की तरफ से, तो क्या गारंटी है कि वहाँ पर दूसरे बैनर लेकर लोग नहीं आ जाएंगे? कि देखिए देखिए यहाँ पर अथॉरिटी कैसे चाबुक चला रही है, हमारी स्वायत्तता पर कैसे निशाना साधा जा रहा है, क्या ये नहीं होगा? बिल्कुल होगा। पहले तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का होने का मतलब ये नहीं है कि केंद्र सरकार जो चाहे वहाँ पे लागू करवा सकती, क्योंकि स्वाधीन होती है यूनिवर्सिटीज पर। ये सवाल और ये जो आज ये मुद्दा है, ये किसी ऑर्डर का मोहताज नहीं, उल्टा मुझे सबसे ज्यादा बेइज्जती भारतीय मुस्लिम होने के नाते तब होगी कि सरकार को कहना पड़ेगा एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को कि मोहम्मद अली जिन्ना की जगह नहीं है। ये मेरे दोस्तों को, मेरे वहां के जो समर्थक है और वहां पे जो मेरे साथी है, उनको ये फैसला करना चाहिए कि वहां पे मोहम्मद अली जिन्ना होना चाहिए कि वहां पे एपीजे अब्दुल कलाम होना चाहिए। ये सवाल हम लोगों को एक जवाब देना है। इसका सवाल का जवाब हमने 1947 में दिया। कॉमरेड की बात सुन के बहकना नहीं है हम लोगों को, कॉमरेड चाहेंगे अफजल गुरु की भी फोटो आ जाए, पर हमको नहीं बहकना है, हमको नहीं बहकना है। भगत सिंह आज भी इस देश के डिस्ट्रिक्ट के अंदर आतंकवादी है और पाकिस्तान कहता है वो आतंकवादी है। आपने उन लोगों से कम से कम सीखना चाहिए, उनको आतंकवादी कहा? जब आज तक सारी सरकारें कह रही है, कल तक सत्ता में आप भोग रहे थे कांग्रेस के साथ, आपको नहीं था, आज बीजेपी है, लेकिन भगत सिंह आप भी देश के लिए आतंकवादी। मेरे लिए भगत सिंह ही हुआ, मेरे लिए भगत सिंह ही हुआ, मेरे लिए जिन्ना भी लगे, लेकिन आज आरएसएस के लिए जिन्ना के नाम से आरएसएस को जेंटलमैन, मुझे अभी तक इस बात का जवाब नहीं मिला है कि ये जिन्ना की तस्वीर कब हटेगी। गौरव भाटिया, जब बीजेपी 2019 में आ जाएगी तब हटेगी, तो आप वोट कर दीजिएगा फिर, जब बीजेपी 2019 का चुनाव जीत जाएगी, नहीं तो आप वोट कर दीजिएगा फिर, मौलाना इसलिए नहीं आएगी सरकार। एएमयू का प्रशासन अभी अगर केंद्र की सरकार हस्तक्षेप करेगी अगर तो यही मौलाना चिल्लाएंगे कि देखिए कैसे भेदभाव हो रहा है। पहले से पहले कयास लगा लीजिए, अब से पता चलेगा फलाना नहीं चिल्लाएगा। अमीर साहब दूसरों को भी बोलने दीजिए ना, अरे दूसरों को भी बोलने दीजिए। अमीर साहब मुझे पता है अमीर साहब, इससे पहले आपने उसके साथ कुट-कुट करके देश बांटा। बस बस अमीर साहब, बस आपकी आवाज बंद कर दीजिए, आपकी आवाज नहीं सर, ऐसे नहीं चलेगा ना, ऐसे कैसे चलेगा, ऐसे नहीं। मैंने आप सबकी आवाज बंद कर दी है, आपकी आवाज नहीं जाएगी ना। डॉक्यूमेंट्स आपने कांग्रेस पार्टी ने जिन्ना के कोलिशन थ्योरी पर समर्थन किया था। बस आप दो एक सेकंड, आप दोनों अमीर हैदर जैदी साहब, आप शब्दों के अमीर हैं मुझे पता है, लेकिन थोड़ा सा अपने अकाउंट में रखिए ना, संभाल के आगे काम आएगा। दूसरों को अपनी बात रखने दीजिए ना अमीर साहब, प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट नाउ। गौरव भाटिया, गौरव भाटिया, माय सिंपल क्वेश्चन इज, मुझे बस ये बताइए कि आप क्या एक्शन लेंगे कि ये बाकी जो आप ये मॉडल पुलिसिंग और बाकी सारे जो सवाल पूछे जा रहे हैं कि खुद से कॉन्शियंस क्यों नहीं जाग जाता है, उस पर मैं दूसरों से जवाब ले लूंगी। आप मुझे बताइए, चलिए उनका कॉन्शियंस नहीं जागता है, वो नहीं हटाते हैं, जो कि बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि जानबूझकर गलती की जाए तो उसे गुनाह कहा जाता है। बिल्कुल। लेकिन आप ये बताइए कि आप कैसे फिर इसे डील करेंगे? देखिए रूबिका जी, पहले तो आपको एएमयू एक्ट देखना होगा, जो केंद्र सरकार द्वारा पार्लियामेंट द्वारा लाया हुआ लेजिस्लेशन है, जिसमें स्वतंत्रता है जो एएमयू का गवर्निंग बॉडी है उसे। तो किसका क्षेत्र अधिकार है? ये पहले एएमयू का जो अपना काउंसिल है गवर्निंग, उसका क्षेत्र अधिकार है, उनको पहल करके इसे हटाना चाहिए। क्या ये सरकार के क्षेत्र अधिकार में आता है? हमारे साथ जुड़ गए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट उस्मानी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हाँ उस्मानी साहब, कब हटा रहे हैं ये तस्वीर? जी जी जी, मैं कब कैमरा लेकर पहुंचूं? ऐतिहासिक क्षण होगा ना ये, कब हटा रहे हैं तस्वीर? मैं आपको बता रहा हूँ, जिस इतिहास की आप बात कर रही हैं, मुझे इतिहास से कोई वास्ता नहीं है। क्षण तब होगा जब मैं इतिहास का कोई वास्ता यहाँ पर नहीं दे रही हूँ आपको, मैं फ्यूचर का वास्ता दे रही हूँ और प्रेजेंट का वास्ता दे रही हूँ। आप मुझे बताइए, तस्वीर कब हटेगी?
आप सीधा तस्वीर नहीं हट सकती है ऐसे क्यों नहीं हट सकती है शर्मनाक है ये क्यों नहीं हट सकती है तस्वीर नहीं एक सेकंड It will only be complete when you remove that picture from there. 1938 में मोहम्मद अली जिन्ना को स्टूडेंट यूनियन की लाइफ मेंबरशिप दी गई उस कंट्रीब्यूशन पर उनको दिया गया उस कंट्रीब्यूशन के ऊपर उनको स्टूडेंट यूनियन ने लाइफ मेंबरशिप से नवाजा ये वही लाइफ मेंबरशिप है ये वही स्टूडेंट यूनियन है जिसके पहले मेंबर महात्मा गांधी मौलाना अबुल कलाम देश की जानी मानी शख्सियत है उनको स्टूडेंट डिफाइन मोहम्मद अली जिन्ना कौन है मोहम्मद अली जिन्ना चार लाइनें बोलिए कौन है मोहम्मद अली जिन्ना आप एक सेकंड अरे आप बात तो सुनिए आप डिबेट को इधर उधर क्यों ले जाके जा रही हैं अरे कौन है मोहम्मद अली जिन्ना फोटो उतर जाएगी कौन है मोहम्मद अली जिन्ना आप जिन्ना हाउस अरे मुंबई में पवित्र करा दिया गंगा जल से जिन्ना हाउस को जो प्रॉपर्टी है आप उसका नाम बकवास नहीं मुझे ये बताइए कौन है मोहम्मद अली जिन्ना डिफाइन कीजिए बकवास आप लोग कर रही हैं नहीं बकवास आप लोग कर रही हैं चार लाइनों में मोहम्मद अली जिन्ना है आपने कुवत नहीं मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में चार लाइनें बता सके बोल सके किसी का प्रेशर है किसी का प्रेशर है कोई तलवार लटक रही है असलियत बताने में कोई भी ऐसे लोग जो आजादी के बाद पाकिस्तान चले जाए जो लोग आजादी के बाद पाकिस्तान चले गए उनकी फोटो उनके नाम का कुछ भी नहीं होना चाहिए हिंदुस्तान में फौरन हट जाएगी फोटो आप बोलिए कि कानून लेके आए कानून नहीं तो अध्यादेश लेके आ जाए कल लेके आ जाए अध्यादेश मैं एक सवाल पूछ रही हूँ मोहम्मद अली जिन्ना को चार लाइन में डिफाइन कर सकते हैं कि नहीं इतनी पढ़ाई लिखाई तो की होगी की होगी पढ़ाई लिखाई बिल्कुल कर सकते हैं हाँ तो कीजिए मोहम्मद अली जिन्ना वो शख्स है जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी आजादी की लड़ाई में थे पहली लाइन हाँ पहली लाइन दूसरी लाइन जब टू नेशन थ्योरी आई बात सुनिए पहली लाइन आजादी की लड़ाई लड़ी हाँ ठीक है दूसरी लाइन वो टू नेशन थ्योरी के वो टू नेशन थ्योरी के सपोर्टर हुए ठीक है उन्होंने एक नया देश का डिमांड किया जिसको हिंदुस्तान के मुसलमानों ने जो उसको नकार दिया उनकी थ्योरी को इसीलिए हम लोग हिंदुस्तान के मुसलमानों ने उस थ्योरी को नकार दिया और यहाँ बैठा मकसूर अहमद उस्मानी एक फोटो को नहीं नकार सकता यहाँ बैठा हिंदुस्तान का एक मुसलमान स्टूडेंट एक फोटो को नहीं नकार सकता फोटो मैडम फोटो इज ए हिस्टोरिकल फैक्ट आप हिस्ट्री को हिस्ट्री चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो हिस्ट्री अच्छी भी हो सकती है हिस्ट्री बुरी भी हो सकती है ये क्या बकवास बातें कर रहे हैं क्या बकवास बातें कर रहे हैं आप अपने घर में उनको इस तरह के आप अपने घर में उन्हें रोना आ रहा होगा कि किस तरह के सोच के लड़के एमयू में आने लगे जिन्ना ये बताइए फिर जिन्ना हाउस मुंबई में रुकिए ना रुकिए आप ये बोल रही हैं अपने घर में तस्वीर लगाए तो इसको जिन्ना हाउस क्यों है हमारे देश में जिन्ना हाउस मुंबई में क्यों है आप वही लोग हैं जो संघ की खिलाफत करने के लिए तो दिन रात एक कर लेंगे और वहाँ पर एक फोटो हटाने के लिए आपको हिस्ट्री और हिस्ट्री का फैक्ट और हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1932 ये सब याद आ जाएगा लगी हुई है क्या 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 कंट्रीब्यूशन था उनका देश की आजादी में क्या कंट्रीब्यूशन और इन भाई साहब का क्या कंट्रीब्यूशन था जो
जिहादी लाखों लोगों की मौत हुई, जिम्मेदारी जिसके ऊपर है उसका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है? आज जी मशीन, आपको शर्म नहीं आ रही है? आप जिन्ना हाउस का नाम, आपको शर्म नहीं आ रही है? आप जिन्ना हाउस का नाम चेंज करवा दीजिए, उसके साथ ऐसा क्या हुआ? अध्यादेश कानून पास कर दीजिए। आप जैसे लोगों की वजह से हिंदुस्तान के मुसलमानों को शक की निगाह से देखा जाता है। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप क्या हिंदुस्तान में बैठकर वो तख्ती छाती से लगाए हुए हैं? शहजाद पूनावाला, मैं दो तर्क रखना चाहता हूँ उस्मानी साहब, मत बताइए उस्मानी साहब, हिस्टोरिकल फैक्ट पे बात कीजिए। हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं है ये, हिस्टोरिकल मिस्टेक है। उस्मानी साहब ने ऐतिहासिक गलती, उस्मानी साहब ने तीन मिनट बात रखी। अरे हिस्ट्री तो हिस्ट्री है ना, नहीं हिस्ट्री तो हिस्ट्री, हिस्ट्री का सबक तो नाथूराम गोडसे को भी लगाओ ना अपने घर में, इसमें क्या लगाओ ना उसकी तस्वीर नाथूराम गोडसे की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। नॉन सेंसिकल फैक्ट्स, डिबेट की तरह कीजिए, अगर चिल्लाना बंद कीजिए, डिबेट की तरह कीजिए। यहाँ पे बहुत सारे शहजाद हो गए, सब शहजाद के नाम पे सब लोग बोलने लग जाते हैं। अरे उस्मानी साहब आप तो सुन लीजिए, हमारी उम्र एक ही है, एक मिनट तरीका है। अरे सुन लीजिए, लगातार बोलने से तर्क सही नहीं होता। अरे आप जीने से बोलिए। मैं बताती हूँ यही तरीका, नहीं नहीं एक सेकंड उस्मानी, मैं आपको ये बता दूं यही तरीका है। अगर आप उस तस्वीर के पीछे बैठकर मेरे साथ डिबेट करने के लिए आएंगे तो यही तरीका, ताल ठोक के यही तरीका है, अंडरस्टैंड इट। जबरदस्ती आपकी बेवकूफाना जिद के चलते सारे के सारे मुसलमानों को एक ही तराजू में तोला जाता है। यहाँ बैठा हर एक मुसलमान इस बात को कह रहा है कि वो एक खलनायक है और उसकी तस्वीर को डस्टबिन में डाल देना चाहिए। हिस्टोरिकल फैक्ट्स की आड़ में मत छुपिए। उस्मानी के दादा और दादी ने जिन्ना को नकारा और आज उस्मानी जिन्ना की फोटो के सामने पूजा कर रहे हैं। वो जिन्ना जो पोर्क खाता था, वो जिन्ना जो सुअर खाता था, उसको आप अपना हीरो बना रहे हैं ना? मुसलमानों का एएमयू की तरफ से हीरो बन सकता है, पर आपका हीरो किसी को हीरो नहीं बनाया। मैं सिर्फ इंतजार कर रहा हूँ कि कब आप याकूब मेमन की फोटो लगाए। लोग बैठे उन पे सवाल उठा रहे, लेकिन आप जिन्ना को डिनाई नहीं करें। उस आदमी को जिसने उन मार्ग फैलाया, सिर्फ उसने एक जिहाद, एक तरह का जिहाद था 1938 से लेके 47 तक का, मुसलमानों को भड़का के एक नए देश को विभाजन कराया। शर्म आनी चाहिए कि आप कैसे प्रेसिडेंट हैं। कोई किसी से नहीं मिला, शेमफुल और शर्मनाक, देश के लिए सब एक थे। क्या बात कर रहे, किसकी बात कर रहे? एग्जैक्टली, आप मुझे डिबेट खत्म करनी है। कोई ऐतिहासिक गलती, लेकिन एक सेकंड यासिर जिलानी, अमीर साहब मैं ब्रेक ले रही हूँ, लेकिन उस्मानी साहब वो तख्ती आपने नहीं हटाई, वो तस्वीर आपने नहीं हटाई, तो हिंदुस्तान का बाशिंदा जानता है उस तख्ती को कैसे हटाना है। ये बात आप बहुत गौर से समझ लीजिए। यहाँ जो एक एक मुसलमान है ना हिंदुस्तान का, उसने डिसाइड किया है कि उसे कहाँ रहना है, और आप उनके लिए डिसाइड करने वाले कोई नहीं होते हैं। वो खलनायक था, है और रहेगा जिन्ना। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए।